क्यों लिखती हूँ? ये सवाल तो काफी पेचीदा सा लगता है। मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि लिखने की वजह ढूंढना मुझे फिजूल सा लगा। वैसे तो लोग अलग अलग वजहों से लिखते हैं। किसी को लिखने का शौक होता है, किसी के लिए कलम मुस्तकबिल का एक सबब हो सकता है, किसी को लिखने के अलावा किसी और चीज में खुशी ही नहीं मिलती होगी, किसी को लिखावट अपने अनकहे जज्बात बयान करने का बेहतर तरीका लगता होगा, या फिर कुछ और। मुझे तो बचपन से ही शौक था अपने इर्द गिर्द हो रही हर हरकत को उस गुलाबी डायरी में कैद करना, लेकिन वो सब महज मैं एक याददाश्त के लिए किया करती थी। वक्त के साथ वाकई मुझे पता ही नहीं चला कब ये शौक एक आदत बन गया, कब वो रंग बिरंगे कलम मुझे सुकून देने लगे, कब किताब के हर सफ़े से मुझे आज़ादी की खुशबू आने लगी, कब अपने अनकहे जज्बातों को लफ्ज़ देना मुझे बेहतर लगने लगा। मैंने कभी कोई ख्याली गज़ल, नज़्म या तहरीर नहीं लिखी, बस हकीकत को बहुत ही सादे अल्फाजों में सबके सामने पेश किया, और यही चाहा कि जिस शिद्दत से मैं ये लिख रही हूँ उसी शौक से लोग इसे पढ़ें या सुने। कुछ पुराने जख्म भी छुपाए, कभी खुद को साबित करने के लिए भी लिखा। कभी लगा कि कुछ बोलूंगी तो बिगड़ जाएगा, इसलिए लिखना ही बेहतर समझा। कभी कुछ जाहिर करने के लिए लिखा, तो कभी तन्हाई से बचने के लिए। लेकिन ये तो मान गई, क्या ताकत है उस कलम की स्याही में, क्या ताकत है उस कलम की स्याही में। सवालों के जवाब तो मिलते नहीं, दिली सुकून जरूर मिल जाता है, चैन मिलता है जब मुझे लिखते वक्त अपनी हदों का ख्याल नहीं रखना पड़ता, क्योंकि मेरा कलम मेरे लिए वो दुनिया बनाता है जो आज मैं देखना चाहती हूँ। गुरूर होता है कि खुदा ने मुझे कलम से आलम बदलने की ताकत दी है, क्योंकि जिंदगी मेरे गुस्से, मेरी चाह, मेरी पसंद को मुतमईन नहीं कर पाती। आज जब मैं शायरी के लिए लफ्ज ढूंढती हूँ, तो लगता है जैसे खुद को अपनी रूह से जोड़ रही हूँ। कश्मकश के लम्हों में उन कोरे कागजों में पनाह पाती हूँ। गुस्से को हर्फों में उतार देना तो अब आदत सी हो गई है, तो थोड़ा ज्यादा समझती हूँ और शायद बेहतर महसूस करती हूँ। वैसे अगर किसी को दुनिया बदलना है, तो मेरे हिसाब से लिखना सबसे खूबसूरत जरिया है। हम जिंदगी को तो काबू में नहीं कर सकते, मगर अपने नज़रिए से किसी और का नज़रिया ज़रूर बदल सकते हैं। Hey Sam fam, thank you so much for watching. This was it for today's Social Sunday video. If you like my poetry, please give it a big like and subscribe to my channel, because I post videos twice a week. You can also follow me on Instagram and Facebook. I think I should take a leave now until we meet on another Thursday. AllahHafiz.